किसी के घर में ठहरने का ये फायदा तो होता ही है। तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे, क्या खड़ी है? लेक्सस खड़ी है, रोल्स रॉयल्स, पता भी नहीं चलेगा, अंदर गर्मी बहुत ही खूबसूरत है। और ये टावर की बात कर रहा हूँ, देखो पहाड़ के ऊपर जो टाउन जो घर बने हुए हैं, घर लेके जा रहे हैं। लुक्स लाइक शाहरुख खान ना, शाहरुख खान दादी पैरी पहना कर लूं। इंडिया इंडिया, इतने बच्चे मैंने नहीं देखे। धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, इस टाउन में जरूर जाना। ये देखो पहाड़ के ऊपर पूरे घर दिख रहे हैं, हर गली में। हाँ ठोक दिया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और सुबह का ब्रेकफास्ट है यहाँ का लोकल। किसी के घर में ठहरने का ये फायदा तो होता ही है। ये ब्रेड्स वगैरह जो खाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और दिखाया था बुखारा वगैरह पे और इस साइड भी, ये वो सब कुछ सेम ही है। बाकी खाते हैं, और कभी आओ तो ऐसा कोई होम स्टे टाइप का लेना, घर के अंदर बना रखा है इन्होंने। ये देखो यहाँ प्यारी प्यारी छोटी छोटी बिल्लियां भी हैं, ये फुल मस्ती कर रही है। ओ तेरी। सो गाइस गुड मॉर्निंग। एक और दिन हमारा तजाकिस्तान में। फ्रेश हो गए थे, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, जैसे कि आपको पता है कल पहुंचे थे, शाम हो गई थी। मैं पहुंचते भाई साहब, वो होस्टल काफी नीट एंड क्लीन है, जैसे कि आपने दिखाया था आपको मैंने। यहाँ पे डोरमेटिक्स भी है, डोरमेटिक सिस्टम उस साइड है, और ये टीवी वगैरह कॉमन एरिया है, ये इनका रिसेप्शन है। एक्चुअली में ये एक घर ही है। और सुबह जो ब्रेकफास्ट करा वो भी बहुत मजेदार था। तो वो टॉयलेट है कॉमन, और इधर उधर डोरमेटिक्स बेड है, और ये पूरा बाहर का एरिया, पूरा ऐसे कारपेट बिछा होता है इनके यहाँ। अच्छा लगता है, अगर आप स्टे करना चाहते हो डेफिनेटली आप यहाँ कर सकते हो। निकलते हैं आज, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं भैया तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे, ये कितनी एक्सपेंसिव है और इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, इसकी जो मार्केट और चीजें हैं और लोग हैं कैसे हैं, कैसे व्यवहार है, कैसे बातचीत करते हैं, कितना महंगा है, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे, वो सब कुछ दिखाने वाला इस व्लॉग में। अगर आप प्लान कर रहे हैं साइड का तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैं दोबारा बता दूं, एक्सप्लोजर मेड इन इंडिया ऐप है, सोनू सूद सर की ऐप है, बहुत ही मस्त ऐप है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि भैया जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ मैं लोगों को मुझे बताना नहीं पड़ेगा। वहाँ आप मुझे अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ रुका हूँ, मैंने क्या खाया, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फुल एक्टिविटी उस पर मैं अपडेट कर रहा हूँ। और उस चीज़ को आप डायरेक्टली फॉलो करके आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो। उसके अलावा आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट है उसके। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर फॉलो कर लो भाई को, ट्रैवलर जतिन को। तो चलो निकलते हैं फटाफट। तो भैया कुछ इस तरह का हॉस्टल है जो कि आपका दुशांबे के मेन टाउन में पड़ता है। इसकी डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन भी दे दी और एक्सपोजर पर भी दे दिया। फिलहाल अभी चल रहे हैं, मजेदार है यार। यहाँ के घर जितने भी है ना इस टाउन के अंदर, दुशांबे सिटी के बिल्कुल जस्ट साथ ही लगता है, सारी जगह ऐसी बड़ी बड़ी है खूबसूरत सी। चलो भाई आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। और बिलीव नहीं करोगे, कल मैं जब बाहर निकला था रात को, तो यहाँ पे भाई साहब ये देखो क्या खड़ी है, लेक्सस खड़ी है, रॉल्स रॉयल्स, रेंज रोवर, मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं बड़ी बड़ी जो यहाँ ना खड़ी, और ओपन पार्किंग में यहाँ खड़ी थी भाई साहब, कमाल की बात है। मतलब लग नहीं रहा कि इस यहाँ पे इकोनॉमी इतनी तेज होगी, मतलब इतना अच्छा पैसा होगा, पर लोगों के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी है। ये मेरा पहला इंप्रेशन था भैया, वाकई में लोगों के पास बहुत पैसा है यहाँ पे। ये घर देख रहे हो जितने आप, सारे घर मेरे ख्याल से 1000 गज से कम कोई नहीं होगा, उससे बड़े बड़े ही होंगे। और ये टाउन जो लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, मेन जो सिटी है उसकी 2 स्ट्रीट चल रही हैं, और उसी पे ही सारे स्टैचू, सारे म्यूजियम, सारी मार्केट, सारी चीज़ें वहीं हैं। तो ये टाउन एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ता है दुशांबे के अंदर। मेरा जो हॉस्टल है जस्ट वो वही टाउन में पड़ता है। और यहाँ एक और हॉस्टल है साथ में, है सिटी हॉस्टल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा यानी डबल का फर्क है जहाँ हमने स्टे किया था। वो देखो क्या खड़ी है, रेंज रोवर, ये गाड़ियाँ कॉमन है, वो देखो क्या खड़ी है, BMW गाड़ियाँ, देख रहे हो मेरे भाई। तो भाई साहब ये देखो, ये वो चुपाहाचा नहीं होता एक विलेज टाइप का जहाँ लोग बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं, ये कुछ उस टाइप का बना हुआ है। इस वक्त पेड़ों को देखोगे ना, पेड़ सारे ही पतझड़ हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं भाई साहब? बर्फ स्नो का टाइम है, मतलब रात को बिलीव नहीं करोगे -17, -18 डिग्री तक टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा था ठंड। टैक्सीज वगैरह देखो, बढ़िया है यार, सिस्टम बहुत बढ़िया है। हेलो दादी, आउटसाइड ना। हाँ ये दादी, यहाँ का ड्रेस कोड है, सलाम, नमस्ते, वी आर फ्रॉम इंडिया, योर टाउन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये दादियाँ बैठ के धूप सेक रही हैं, ये शायद मॉस्क है यहाँ पे। यहाँ के घर ना वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम मैं गया था बुखारा, वहाँ भी ऐसे ही हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गेट, पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ना थोड़ा और ज़्यादा पॉलिश है। तो अभी हम जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मेरगोन मार्केट है यहाँ की, काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, आस पास खूबसूरत टाउन लगते हैं। हेलो बेटा, छोटे छोटे बच्चे, तो यहाँ की गलियाँ बहुत प्यारी हैं यार। आप कह रहे हो यार
बात कर रहा हूँ कैपिटल की, दुशांबे की, और घुमा रहा हूँ टाउन। यार ये टाउन ना कैपिटल के अंदर ही है, सिटी के अंदर। अभी आपको यहाँ की एग्जैक्टली बाहर का फिगर आउट भी कराता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो कि देख के आप भी कहोगे यार मैं तो दुबई के अंदर आ गया। वाकई में कल मैं जब आया था इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है ना। बाकी यहाँ पे ऐसे पुराने पुराने घर भी हैं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है यार, होना भी चाहिए। ये देखने का कल्चर रखा इन्होंने अभी तक संभाल के, ये बहुत बड़ी बात है। ये पाइपलाइन जा रही है येलो वाली, शायद गैस की है या पानी की है। इनके यहाँ के जो हीटिंग सिस्टम है ना बहुत जबरदस्त रहते हैं। बाहर माइनस में टेम्परेचर होता है और अंदर पता भी नहीं चलेगा, अंदर गर्मी। आप कपड़े उतार के टी शर्ट में घूमोगे, ऐसा मौसम होता है। और ये सिस्टम जो रहता है ना पूरा, ये सिर्फ आपका रशियन सोवियत सनसाइड ही है। अगर आप चाइना वाइना कहीं और जाओगे ना, वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। चाहे आप रशिया चले आओ, चाहे आप कजाकिस्तान चले आओ, उज्बेकिस्तान चले आओ। तो भैया ये देखो मॉस्क है, काफ़ी अच्छी है ये, शायद गाँव वालों की मॉस्क है। ये देखो टावर कितना ही प्यारा लग रहा है यार, कितना ही बारीकी से एक एक पार्ट बनाया हुआ यार। पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे। हाँ पूछ लेते हैं, कैन आई विजिट? हाँ थैंक यू, थैंक रख मिस। तो भाई ये देखो, ये यहाँ का मॉस्क एरिया बहुत ही खूबसूरत है। और ये टावर की बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। ये मेन टाउन के अंदर ये खूबसूरत सी मॉस्क है और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। और बुजुर्ग वगैरह बैठ के डिस्कशन वगैरह चलता होगा यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। तो मैं थोड़ा देख रहा था, इस्लाम लोग देख रहे हैं भैया क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। वरना जनरली लोग ऐसे आने नहीं देते मॉस्क के अंदर, वहाँ लिखा भी हुआ है रिकॉर्डिंग करना, फोन करना अलाउ नहीं है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आपको टर्की स्टाइल का आपको हर जगह नजर आएगा। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट टर्की की भी यहाँ पे है, तो इसलिए भी आपको काफी जगहों पे जो सिंबल है टर्की के नजर आएंगे। यहाँ के लोग इस तरह की ब्रेड्स खाते हैं, रोटियां नहीं खाते। यहाँ ये सेंट्रल एशिया में इसी तरह सिस्टम चलता है। और इस तरह की ना घरों के अंदर एक दुकानें खुली होती हैं, सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है। जहाँ तक कीमतों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 30 साल का सिम कार्ड लिया था, जो कि मेरे को पड़ा था 90 सुमानी का, 700-750 रुपए का सिम कार्ड था। उसके अलावा यहाँ की करेंसी की बात की, सुमानिया करेंसी हमारी वैल्यू के हिसाब से हमारे यहाँ के 8 रुपए यहाँ का एक सुमानिया बनता है। वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, पर अगर आप खर्चा करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है। और बिलीव नहीं करोगे यहाँ टैक्सी में भी BYD टेस्ला जैसी गाड़ियाँ चलती हैं। अब यहाँ पे ये सारे लोग बैठ के डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ जेंडेक्स नहीं चलता, 2GIS नहीं चलता। पता नहीं लोग टैक्सी बुक कैसे करते हैं, क्योंकि कल हमें टैक्सी बुक करने में बड़ी मुश्किल आई, बड़ी दिक्कत हुई। चलो बस पे चढ़ गए, आप बस पे चढ़ जाओ, किसी रूट पे भी जाना हो मेरे ख्याल से 250 सुमानी है आपका, लगभग 20 रुपए के आसपास। बाकी बहुत प्यारी जगह है। और वो देखो आपको नजर आ रहा होगा, वो पीछे एक टावर है, वो यहाँ का एक सिंबल है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखो ये BYD की टैक्सी गाड़ी है, चाइना वालों की। अगर मैं ताशकंद की बात करूँ तो वहाँ से शेवरले नज़र आती थी, मतलब टेस्ला वेस्ला भी थी पर एज कम्पेयर शेवरले नज़र आती थी। पर यहाँ पे भाई एक से बढ़कर एक सारी गाड़ियाँ नजर आएंगी। वो देखो X7 है शायद, जबरदस्त यार। ये टाउन मैं कहूँगा अमीरों का ही है। देखो सामने शहनशाह आ रहे हैं। और यहाँ ऐसी जगहों पर ना वॉक करना, घूमना भी मुझे बहुत पसंद है यार। देखो ये लोग जो यहाँ के ना बिल्कुल इंडियन लगते हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया, यू लुक लाइक इंडियन। थैंक यू ब्रो। देखो पहाड़ के ऊपर जो टाउन, जो घर बने हुए यार, क्या ही जबरदस्त लग रहा है यार, क्या ही जबरदस्त नजारे हैं। और मैं हैरान हूँ, देखो एस क्लास मर्सिडीज, ये देखो BMW खड़ी है भाई, लेक्सस खड़ी है, ये लेक्सस खड़ी है भाई साहब गाड़ी। और देखो टोयोटा की लैंड, और भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो सच्ची में देख के शॉक हो गया हूँ कि भाई साहब इतनी जबरदस्त गाड़ियाँ, इतना पैसा कैसे? क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पे ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टूरिस्ट भी नहीं आता। अब मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे इनकम का क्या सोर्स है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना भाई कि इतनी जबरदस्त गाड़ियाँ, लोग ऐसा क्या काम करते हैं भाई कि यहाँ पे इतनी जबरदस्त गाड़ियाँ दिख रही हैं यार देखने को। और ये पूरा टाउन था, और यहीं पे हमारा हॉस्टल है, यहाँ और भी हॉस्टल है, और कुछ इस तरह से रिचार्ज की मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ वॉक करते हुए हम चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे वैसे तो यहाँ बस भी चलती है, ये पूरा रूट बस का, ये बस स्टैंड है, हम बस पर भी जा सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी बहुत सारी हैं और सस्ती भी हैं, मेरे ख्याल से 10 सुमानी लेगी शायद, 10 सुमानी लगभग 80-90 रुपये होते हैं। पर ये देखो पीछे गाड़ी देखो लेक्स, अरे भाई साहब। और ये देखो इस तरह की बड़ी बड़ी बसें चलती हैं। और यहाँ मैंने नोटिस करा, यहाँ पे ना फैमिली में बच्चे बहुत हैं। उज्बेकिस्तान गया हूँ, कजाकिस्तान गया हूँ, पर यहाँ पे फैमिली से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत नजर आते हैं भाई। पर मैं समझता हूँ इन जगहों पर ना आटा, मतलब जो अनाज है ना वो बिल्कुल नहीं उगता, वो नहीं उगता, इसके चक्कर में ब्रेडे खाते हैं मैदे की, वो लैम भी और बीफ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। बीफ भी है, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ रहा है ये कोई अभी समझ के बाहर है भाई। ये बात वाकई में समझनी पड़ेगी। देखोगे एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं। और अभी हम टाउन में घूम रहे हैं, शहर की तरफ जाऊँगा ना तो खुद शॉक हो जाओगे यार, क्या ही डेवलपमेंट कर रखी है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसके आसपास आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रक्स है जहाँ पे चाइनीज लोगो लगा हुआ है। चाइना जैसे हर जगह अपनी बिछा रहा है, मतलब चाह रहा है भैया मैं हर जगह पैसा दे दूं और कर्जे में ले लूं उस कंट्री को। हो सकता है यहाँ पे पैसा देने वाले चाइना कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान वाले भाइयों को पता है। हाँ भैया ऐसा ही है, तो वो चीज़ हो सकती है भाई। हमारे साथ है मुनव्वर भाई जो पाकिस्तान से पंजाब से है। मज़ेदार जगह है। और आपको इंप्रेशन के मामले में कहूँ तो यार ये कंट्री एज कम्पेयर और जगहों से अमीर है, पर टूरिज्म यहाँ बिल्कुल नहीं आता।
बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और बिलीव नहीं करोगे, हम जब खुजन से यहाँ आ रहे थे, ये एग्जैक्टली पहाड़ों के बीच में है और इतने खतरनाक पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये एक पूरा शहर है, कैपिटल। और मेरे ख्याल से पूरी तजाकिस्तान के अंदर दो या तीन ही बड़ी बड़ी सिटी है जिसमें सबसे बड़ी सिटी यही है। पहाड़ के ऊपर ये सिटी बसी हुई है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है व्यू। मुझे तो इसको देख के ऐसा लग रहा था न्यूयॉर्क की एक सड़क, जो मैंने कई बारी कई वीडियोस में देखी ना, कुछ उस तरह से लग रही थी। मैं न्यूयॉर्क गया नहीं हूँ भाई, पर वाकई में खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। प्यारे प्यारे बच्चे लेके घूम रहे हैं, और यहाँ मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, यहाँ बच्चे बहुत है, तो यहाँ आपको बच्चे बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। ये विलेज, टाउन, सिटी, जो भी गलत सब मिक्सचर बहुत अच्छा लगा यार। इंप्रेशन की बात की जाए तो मैं वेरी हैप्पी हूँ यहाँ पे आके इस जगह को एक्सप्लोर करके। और यहाँ ऑलमोस्ट ठंडी रहती है। घर लेके जा रहे हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया, यस यस यस, डू यू नो इंडिया। बड़ी खुश हो गए आंटी हमें देख के। मोंगदा, ओके, भाई बढ़िया यार, लोग ना बड़े हद दिल खुश है। सीरियल्स मूवीज बहुत ज्यादा देखते हैं यहाँ पे इंडियन, तो हम भी कह रहे हैं घर चलने के लिए। ये देखो काफी खूबसूरत है, ये मेरे ख्याल से चार पांच घर ना कंबाइन है, फैमिलीज कंबाइन रहती हैं यहाँ पे। बीच में पानी जा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये पानी पानी अंदर अंदर जा रहा है यार, और ये बड़ा सा नाला है। और यहाँ भी कुछ घर है इस साइड, और उस साइड भी घर है। हेलो, ये देखो बड़ा नाला जा रहा है यार, एक बड़ा सा घर है। ये बरांडा सिस्टम बहुत ही प्यारा यार, फीलिंग ना कुछ अलग अच्छी है यहाँ पे, बहुत मजेदार है यार। यहाँ भी कुछ काम हो रहा है, यहाँ भी घर बना हुआ, ये इनका मेन घर होगा, ये भी कुछ घर है। योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये देखो कितना कश्मीर का फील है यार। शाहरुख खान है, लुक्स लाइक शाहरुख खान ना, शाहरुख खान, मुझे शाहरुख खान बना दिया भाई, लोग ना बहुत पसंद करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे माहौल है यहाँ पे, ठीक है। सबको पता है भाई, सबको पता है मिथुन चक्रवर्ती है, yeah. भाई लोग यहाँ के वाकई like मुझे it? बहुत अच्छे, handsome, very handsome. Nice. और लेडीज यहाँ फैमिलियर है, कोई दिक्कत नहीं। सलमान खान, करीना कपूर, ओह मावा दे, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। मामा, मामा, ये मामा। एक्चुअली में इनके ना कुछ वर्ड्स बड़े कॉमन है, बीस को बीस ही कहते हैं, बीस 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 बीस, चाय को चाय कहते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जिंदगी, 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 कॉमन वर्ड, बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं। वो दादी हैं, और हमारे यहाँ दादी से दादी को पैरीपाना करते हैं, तो पैरीपाना कर ही लेंगे। दादी दादी पैरीपाना कर लूँ, इंडिया इंडिया, इन इंडिया वी प्लेस प्लेस। देखो दादी देख के ना बड़ा अच्छा फील होता है, दादी नानी में दोनों नहीं है, पर अच्छा लगता है। हाँ, वो कह रहे कहाँ ले आए दादी, कह रहे किसको घुसेड़ लिया है दादी, ध्यान से। इंडिया इंडिया, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अभी निकलते हैं। तो दोस्तों यार, इसी टाउन से निकल के ना एक मैरगोन मार्केट है जो कि बहुत फेमस है, वहाँ तक जाना है। कल रात को माइनस टेम्परेचर था, आज टेम्परेचर थोड़ा कम है। और सर बताऊँ, मैंने इतने कपड़े पहन लिए, मुझे गर्मी लग रही है, चल रहे हैं ना इसलिए। मैंने कल सिटी भी देख ली है, अब टाउन देख रहा हूँ और आपको भी घुमा रहा हूँ। और कभी आना हो तो, मैंने देखा यार किसी व्लॉगर ने यार शूट नहीं कर रखा है, मतलब एग्जैक्टली हर कोई चाहता है यार। मैंने कई लोगों को सर्च करा था, तजाकिस्तान तजाकिस्तान, मज़ा नहीं आया। पर उम्मीद करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ ये टाउन। और इस तरह से पहाड़ों के ऊपर घर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत यार। मैंने अभी तक सेंट्रल एशिया में, मतलब उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन जगहों पर घुमा हूँ, पर इतने बच्चे मैंने नहीं देखे। मतलब भर भर के बच्चे हैं भाई साहब, भर भर के बच्चे। फिर कह सकते हैं कि घर में मेरे ख्याल से पाँच पाँच सात सात बच्चे होंगे, छोटे 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 छोटे, इतने बच्चे स्कूल से छुट्टी होके आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं यार। ये टाउन के अंदर मैंने देखा, ये छोटी छोटी घर, छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे मकान, और प्यारे प्यारे से लोग। सलाम, ये देखो बनी हुई दुकानें, और ये रिचार्ज मशीनें आपको सारी जगह मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखना, वहाँ तो पीछे की तरफ बड़े बड़े घर थे, यहाँ छोटे छोटे घर हैं। फ़र्क है थोड़ा सा, पर यह है कि यहाँ थोड़ा कम अमीर होंगे, वहाँ ज़्यादा अमीर थे, यहाँ घर थोड़े छोटे हैं। घरों के गेट छोटे नहीं हैं, घरों के गेट प्रॉपर बड़े हैं। और बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, बहुत सारी छुट्टी हुई है मेरे ख्याल से। ये देखो, हेलो ब्रो, हेलो हेलो, विच क्लास? नाइन्थ, चलो बढ़िया है, नाइन्थ में। सलाम। घर सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, अंदर से ना इनका खुला सा बरांडा, खुली सी पार्किंग, और हर घर में गाड़ी, एक या दो गाड़ी होंगी होंगी। और आगे वो देख रहे हो कनेरियाँ वनेरियाँ लगी हुई हैं, वो पूरी सिटी है, ये सिटी के अंदर ही एक पूरा टाउन सा है। ये देखो दादी है ना, यहाँ पे मतलब घर का मतलब सामान सामान बेच रही है। हेलो सलाम। ये देखो जुराबे जुरूबे सामान बच्चों का बेच रही है। इंडिया इंडिया, यस। और सौरभ सारे दांत सोने के, राज कपूर, हाँ, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, जिंदा जिंदा, धर्मेंद्र जिंदा, राज कपूर नहीं जिंदा, हाँ, अमिताभ बच्चन जिंदा, जिंदा जिंदा,
गीता, सीता गीता है ना, हेमा मालिनी, जिंदा जिंदा जिंदा, हाँ प्रिवेद, यस हाँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, सारी फिल्में देखते हैं, थैंक यू। तो भाई लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बस अभी यहाँ एक मार्केट है, आगे बिल्डिंग्स शुरू हो गई हैं, देख रहे हो पूरा टाउन क्या ही खूबसूरत है, वो तो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है यार, पूरा ही जबरदस्त। मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद है या नहीं है मुझे बताना है। हाँ, मेरे ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसी वीडियो पे व्यू ना बहुत कम आते हैं, और मैं आपको दोबारा बता दूँ, एक ऐप है सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, और उस पर मैं हर जगह जहाँ पर जा रहा हूँ, जिस लोकेशन में जा रहा हूँ, उसको मैं टैग कर देता हूँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो चेक कर लेना। और हमारे इंडिया की तरह यहाँ साइकिल वाइकिल पंचर लग रहे हैं यार, सही है यार, गुड। और ऐसे छोटी छोटी दुकानें घरों में मिल जाएंगी, पर यहाँ देख रहा हूँ लोगों के पास जो गाड़ी है ना, पुरानी भी है नई भी है, पर गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक है। अब देखो बड़े बड़े स्ट्रक्चर नजर आ जाएंगे, ओ देखो पीछे पहाड़ दिख रहे बर्फ के, ओ माय गॉड। भाई साहब ये देखो यार यहाँ से नज़ारे, बादलों के बीच में बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या ही जबरदस्त है, बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त यार जबरदस्त। और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अब सारा मॉडर्न मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। हेलो सलाम, कह रहा था दांतों में कीड़े लग गए सारे के सारे, अरे कम चॉकलेट खाया करो भाई, कम चॉकलेट खाया करो, हैं क्या चाहिए, केक खाएगा केक। तो भाई ये शॉपिंग सेंटर से मार्केट है पूरी, क्या ही नज़ारा आ रहा है भाई साहब, पूरे बर्फ के पहाड़ जबरदस्त, और इन्हीं के बीच में से कल निकल के हम आए हैं। इंप्रेशन की बात किया था तजाकिस्तान, मुझे बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत लगा, छोटा ज़रूर है, और यहाँ तक पहुँचने के देखो अलग अलग ऑप्शन है, आप ताशकंद से होते हुए आप आ सकते हो यहाँ पे खुजुंद क्रॉस करते हुए, दूसरा ऑप्शन आप कैसे समरकंद से होते हुए वहाँ से यहाँ डायरेक्टली दुशांबे आ सकते हो, यहाँ थोड़ा नज़दीक पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको इजीली मिल जाता है, और डायरेक्टली बसेस भी चलती हैं ताशकंद से, या फिर आपको डायरेक्टली ट्रेन भी चलती है जो कि आपको यहाँ तक लेके आती है दुशांबे मेन कैपिटल में। बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आया कि इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं यार, हर गली में हाँ ठोक दिया, बच गए, चलो जी चलो। प्रॉपर टॉफी का एक पैकेट लेके आया था इन लोगों को देने के लिए, दिमाग में नहीं आएगी इतने सारे बच्चे आज टकरेंगे मुझे, वरना डेफिनेटली मैं इनको देता, क्या दिमाग में आया यार, निकाला ही नहीं यार। अभी हम जा रहे हैं एक मार्केट है बहुत फेमस बहुत बड़ी, वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं मार्केट कैसी है यार। और इस तरह से समोसा वगैरह बहुत खाते हैं, समोसा। हेलो सलाम। तो गाइस मैंने इतनी खूबसूरत जगह को ना ऑलरेडी एक्सप्लोरर के अंदर टैग कर दिया, भाई साहब फटाफट बकेट लिस्ट में ऐड कर लेना, जब भी तजाकिस्तान आना हो इस टाउन में जरूर जाना, ये देखो पहाड़ के ऊपर पूरे घर दिख रहे हैं, इस टाउन में जरूर जाना, मजा आ जाएगा, इतना खूबसूरत जगह यार। मार्केट जो है यहाँ की जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और देख सकते हो और लोकल लोगों का झुरमुट भी, दुकानें भीड़ भड़क्का सब कुछ यहाँ नजर आता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, छोटा सा टाउन एक्सप्लोर करता हूँ आपको यहाँ तक लेके आया हूँ, अब घुमाने वाला हूँ यहाँ की लोकल मॉडर्न मार्केट, आपको मजा आएगा सच्ची में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मिलते हैं, छोटी सी जिंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी, तो भैया हंसते रहो मुस्कुराते रहो प्यार बरसाते रहो, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में यहाँ की लोकल मार्केट में, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। I feel like I'm losing my mind.